वुमन, मुझे पता था, मुझे पता था ये लगेगा। लोग अपना एंडिंग शूट पार्ट करने के लिए निकले, उसके बाद हमारी पूरी टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे गाइस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी एक और न्यू तड़कती भड़कती रिएक्शन वीडियो को लेकर। और गाइस आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बैच 99 के जो BTS है, जो उनका फेस रिवील वाला ब्लॉग था, उसके बिहाइंड द सीन्स पे रिएक्ट कीजिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कर ही देते हैं यार, आप लोग की पसंद का। तो हम लोग लेके आ चुके हैं हमारी न्यू रिएक्शन वीडियो। प्लीज गाइस अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को सेट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट्स में बता देना कि आपको आगे कौन से रिएक्शन चाहिए। और गाइस गिव अवे की भी डिटेल्स देनी है तो बीच वीडियो में दूंगी या एंड में दूंगी, देखा करो यार वीडियो। गिव अवे की डिटेल बीच में दे देती हूँ मैं। ओके तो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पगड़ी फूटे हुई है, पता है पगड़ी है। बहुत मेहनत लगी थी ना इस ब्लॉग में, लाइक लगी होगी यार फेस रिवील के, तगड़ा बना तो यार, एडिटिंग भी मस्त थी। शूटिंग के एक दिन पहले छत के ऊपर लास्ट में क्यों बैठे? तो दोस्तों आज हम आए हैं भरत भाई और अपनी शॉपिंग करने। शर्मा कोई नहीं रहा है, बस हंसाया जा रहा है जो इसके बैकग्राउंड में। कल ही के दिन हमारा शूट वन है और अभी तक लास्ट टाइम पे सारे चेंजेस आ गए हैं। सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम उस चीज़ को ढूंढ पाते हैं या नहीं, हमारा पूरा शूट एक दिन डिले हो जाएगा। चलो ढूंढते हैं। विद ऑल द रिजेक्शन सर कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा मिल नहीं पाया? कभी की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे हाजिर हो गए हैं, कल सुबह 7 बजे का शूट है। दिन भर शूट ही नहीं किया, इतना होने के बाद दिन भर शूट ही नहीं किया। अंदर क्या बातचीत चल रही है? सब तो लेट में ही आऊँ, पर क्या करें, अभी भी चलता है। अपने धीरज भाई को दिखाओ। ये धीरज भाई हमारे दुबई से हैं। सीधे सीधे दुबई से लैंड करवाए। यस यू आर द लकी वन। लकी वन ये हमारे खाना आ चुका है। वाह मैं तो खा रहा हूँ यार। ये देख सकते हैं आप, ये पनीर टिक्का एंड राइस। वाह ये क्या है भाया? भाया रात के साढ़े भाया तो कोई लड़की आ रही भाया वाली। कल सुबह 6 बजे सातल में पहुंच जाने, उतने ठंडे में बहुत बड़ी बात है और सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, देखते हैं क्या होता है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, पर हम भी बैच 99 है, फिर मिलते हैं। तो गाइस वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग, यानी कि आज पहली बार मैं कैमरे के सामने वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। मैं भी खुद को देखूंगा कि आखिर कैसी वीडियो बनती है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फेस रिवील की जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आज शूट होगा सातल पे। अभी सुबह के 6 बजे हाथ कांप रहे हैं गाइस, पता है इसके हाथ कांप रहे हैं, ध्यान से नोटिस करो। और 7:30 बजे के आसपास हमको सातल पहुंचना है पूरा रेडी होके। सो अभी भी बस मैं उठा ही हूँ एंड जो भी आज का पूरा दिन रहेगा आपको मैं इस व्लॉग के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी गाइस फटाफट मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। हाँ जल्दी जल्दी लेट नहीं होना है, लेट नहीं हो सकता। निकल पड़े आखिरकार सातल के लिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहा धोके अब जाना है। रेड किम ड्रेस पहननी है, जलवा दिखाना है, लेट्स सी कैसा रहता है। सबसे चैलेंजिंग टास्क है आज का दिन,
वैसे जो फेस्टिवल का जो एंडिंग पार्ट है उसको सबसे पहले हम इसीलिए शूट कर रहे हैं ताकि जो चैलेंजिंग पार्ट है वो यही है फेस्टिवल का, तो हमने सोचा कि सबसे पहले एंडिंग सीन को शूट कर लेते हैं। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया होगा, लेकिन असल में आज की डेट में फेस रिवील नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहन के गाड़ी चलानी पड़ रही है, अभी से पहचान नहीं होगा। तुमने फेस रिवील के बाद ये डाल लिया है। आखिरकार पहुंच गए हम लोग सातताल में और सब गाड़ी वगैरह अरेंजमेंट हो गई है। हमारी एक्ट्रेस है, मेन एक्ट्रेस थार, ब्लैक थार, और चलो अब चल के देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं। काफ़ी सुबह वैसे आ गए थे डायरेक्टर लोग, लेट्स सी, आ जाओ। तो भाई साहब हमारे डायरेक्टर साहब दिख रहे हैं, मेरे पास डिस्कशन हो रहा है। आप कंटेंट दिखाने भी चाहें तो लाइट वो एकदम हमको जो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है बहुत खराब हो रहा है। तो कुछ हटाना भूल गया है, गैस कर क्या दिमाग से याद आने ट्रैक वाली गड़बड़ होती है यार, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है। पूरा प्रिपेयर्ड हो गए ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। इसको इस तरफ मत रखो, दोस्तों प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आइए दोबारा में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम एंडिंग सीन अब सीधे शाम को करेंगे, क्योंकि बोट वाला सीन दिन की लाइट में शूट ये टाइम वेस्ट होता है, यही टाइम वेस्ट होता है यार। अगर तुमने फिर सुबह कुछ डिसाइड किया तो फिर वो शाम को हो रहा है, फिर वहां जाके तुम लोगों से कुछ करने के बाद ये डिसाइड करो, इसमें टाइम वेस्ट तो हुआ होगा, पक्का हुआ होगा ना। और सुबह हम ऑलरेडी लेट हो गए थे तो हमने डिसाइड करा कि उसको हम इवनिंग में शूट कर लेते हैं, बाकी सीन्स अभी शूट कर लेंगे। डबल कर लो ना, डबल ट्रिपल मास्क अच्छा तो है पर पल के झपकाने में आंखों में टकरा रहा है। अरे फिर अब शुरू स्टार्ट करो, जय माता। फर्स्ट शॉट कैसा लगा? मजा भाई बहुत अच्छी है। लड़की को बहुत मेहनत करवाई है भाई, उसको हर एक चीज बहुत वो बता बता के रील्स के गाने लगा लगा के बता रहे हैं। वाह ओ तेरी भाई यूट्यूबर, तू बोलता है भाई। हमारा
लौंडे बैठे तो लौंडे के बंदे कैमरा बैठ गया, उसके पर्सपेक्टिव में लौंडे बैठे हैं, यहाँ पे कोई लौंडे के पर्सपेक्टिव में वो बैठा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? बैज 19 थक गए भाई, बहुत थक गए यार खड़े खड़े, एक ही सीन 10 बार देना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है। और मैं सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, 3 घंटे हो गए अब तक मेरी बारी भी नहीं आई और ना खाना आया। ऑन द स्पॉट 3-3 नए चार एक्टर चूज कर दिए लोगों ने और उनका शूट भी खत्म हो गया और जो बंदा पहले से सिलेक्टेड था उसका अब तक कैमरे में चेहरा तक नहीं आया, ये क्या बात है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, काफी अच्छे शॉट्स आए हैं फिलहाल। ये आराम से पी रहा उस बंदे को देखो, सोच रहा है क्या होगा, क्या करना है। मैं पीता है, वक्त आ गया है कुछ खाना खाने का, बिना किसी मेहनत के खाना खाने का मजा ही कुछ और। मेहनत तो मैंने करी है भाई, मैं तो शुरू कर देता हूँ। राइस खा रहे हैं लोग यार, आई लव चपाती। खाना खा लो ना, मैं खा जाऊंगा। दोस्तों चेजिंग सीन की बारी आ गई है और अब हम स्कूटी पकड़ाने वाले हैं हमारी हीरोइन को। उसने कहा, जिस जो सिखाया था उसने कहा मेरे से रेस दो, मैंने ऐसे स्कूटी नहीं आती है बंदी को दे दी चलाने, चला हीरोइन का वेट करते हैं। लेकिन वापस नहीं आ पाई है, पता नहीं क्या हुआ है, अभी जाते हैं पता करने। स्कूटी मोड़ना नहीं आ रहा है, उसको बोला था कि जाके वापस आना है, अभी वो गायब हो गई, वापस नहीं आ रही। उड़ गई पापा की परी, वो वाला सीन हो रहा है ऐसे बोल सकते हैं। स्कूटी लेके भाग गई। वुमन, मुझे पता था ये लगेगा। वुमन चल पड़े हैं गाइस, सीन अभी चेजिंग वाला कंप्लीट हो गया है, वापस से जा रहे हैं लेक में और अब होगा स्टिल फेवरेट शॉट जो हम कह सकते हैं लेक वाला सीन, वहीं पे मिलते हैं। आप शायद फाइनल शॉट इनका वो हुआ था ना रिकॉर्ड, मतलब ये ऐसा लग रहा है सर, मजा आ गया एकदम, चेजिंग सीन हो रहा है बहुत ही घातक, कार का ओनर से मिली है सिवांग द राइडर, उसकी ड्राइविंग में दिखाएंगे किसी दिन, और अब आने वाला है असली भाई का सीन, एंडिंग सीन। अरे सिर्फ 5-10 सेकंड का सीन है, उस वजह से सुबह से रुका हुआ है, अब इसका सीन आ रहा है। तो गाइस अब वो मोमेंट आ गया है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, रेड क्रिमिनल की पूरी ड्रेस हम लोग पहनने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग अपना एंडिंग शूट पार्ट करने के लिए निकले, उसके बाद हमारी पूरी टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा पूरा बैज 99 फेस रूल प्रोजेक्ट बहुत बड़े रिस्क में पड़ गया था। बट वो कहते हैं ना, जब तक हम खुद हार ना माने तब तक हमारी कभी हार नहीं होती। इससे आगे का शूट दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। क्या वो प्रॉब्लम थी और कैसे हमने वो प्रॉब्लम को फेस किया वो देखेंगे हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, बाय बाय। टू बी कंटिन्यूड आ चुका है व्लॉग, मैं लेट रिएक्ट करती हूँ थोड़ा, बट देखेंगे अपन, ओके देखेंगे, जरूर देखेंगे, उसको भी रिएक्ट करेंगे। कमेंट्स बता दो अगर आपको चाहिए आगे किसके व्लॉग का रिएक्शन, मतलब बैच 99 के आगे के व्लॉग का रिएक्शन, तो प्लीज़ बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस गिव अवे, शिट आज मैं बीच में बताना भूल गई, तो लास्ट में ही सुन लो। नहीं तो गिव अवे का कुछ ऐसा सीन है, कमेंट्स में से वही बताना कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में किस पे बनाऊँ, और उसके साथ UID देना, ठीक है, तब जाके आपके चांसेस हैं, आपको डायमंड्स वगैरह मिल सकते हैं मेरे साइड से, ठीक है, UID पर। तो प्लीज़ भूलना मत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, लव यू ऑल।